हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एपीआर का सॉन्ग जो कि आया है केस के ऊपर फाइनली। फिलहाल के लिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। 3, 2, 1 एंड गो। स्टार्ट हो गया है। वीडियो होने वाली है क्या इसमें? If only she lived in a better world, a better place far away from this wretched world that we are a part of. Things would have turned out different. If only. 19 की थी वो in a different universe. जब टीवी को करा ऑन निर्भया डिडंट अकर. Everything was quite normal. She focused on her studies and रस्ते रात के safe. Naive teasing का डर थी. डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो नीट को करा clear. MBBS 5 साल post grad को then appear. Admission अच्छे कॉलेज में. Parents को करना proud था. सुरक्षित थी ये दुनिया. Public transport बिना doubt था. जहां रिश्वत लेते पुलिस ने. And our leaders staying corrupted. जिस धरती पर पूजे दुर्गा को होता महिषासुरों का वध भी वह वो समाज ना विक्टिम को ही ब्लेम और अपराधियों को मिले बेल ने माने जिस भारत को अपनी माता हम अब मान उसके बेटियों पर सहते नहीं कड़ी मेहनत और मेरिट के बल पे आरजी कौर बनी पीजी स्टूडेंट ट्रेनी डॉक्टर सिंसियर थी बहुत कशाने बचाना दस वर्षी मैंने डू वर्क एंडलेसली एंड समटाइम्स स्लीपलेसली टू 31 की ओनली एंड अ लॉन्ग लाइफ अहेड सबने पीएचडी के गॉट टू डू समथिंग फॉर मम एंड डैड डिवोटेड फिजिशियन अपनी थी ड्यूटी पे हर फ्रेंड्स यूज्ड टू लाइक अ वर्क एथिक एंड अप्रिशिएट और ऐसी एक शिफ्ट में अगस्त 8 की रात 36 आवर्स की ड्यूटी और कड़ी दौड़ भाग उसने जो करा एक कॉल बताया माँ को अपनी माँ She ordered food at 1 a.m. with a colleague, celebrating the news of silver by NC. Jab hua time for her friends and for her to leave, that's when a thought stopped her from the room that she was entering. She had a feeling usse ghar ko wapas jana chahiye. It's better to sleep at home, that she was super tired. Straight to the arms of her mother, hectic Friday, so she went home 3 a.m. No gust ki morning. काश ये होता तो अभी होती वो जिंदा काश ये होता तो होती ना उसकी हत्या काश ना खोते एक और प्रॉमिसिंग बेटी को नाउ द डैमेज इज डन कज वी फेड आवर डॉटर्स टू प्रेडेटर्स काश जो चलता अस्पतालों में कोई रैकेट ना काश हमारे प्रिंसिपल्स भी होते ईमानदार काश ये पॉलिटिक्स इंसाफ का ना कातिल बनता आजाद होके ना आजाद कौन जिम्मेदार काश ना कोई माँ बाप को ऐसी दुख मिले काश हमारी पुलिस भी होती विजिलेंट काश ना रहती वो है फानियत की दुनिया में कन्या श्रीदेव बस जब कन्या होगी होती हत्या है काश हमारे कंट्री मैन वी हैड अ कॉन्शियंस काश नो पेट्रियार्की नो सोसाइटल इल्स काश होती हमारी रीढ़ की हड्डी टू स्पीक होते ना अपने देश में रेप हर एक 16 मिनट काश ना होता स्कॉट डिविजन की जरूरत कभी काश नो कवर अप्स मर्डर एंट अ सुसाइड काश हरासिंग वाज नेवर दिस एफिंग नॉर्मल राम की जन्मभूमि पर नेवर अ सीता कुड सर्वाइव काश ना किसी का फाइल कोर्ट के चक्कर काश ना पिता बेटी की चिता खुद जलाए काश और काश से रंगा लाल तिरंगा अपना द्रौपदी के सौ चलाने पे इसलिए ना गोविंद आए स्पीचलेस हूं मैं। मतलब जिस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा है ना पहले चीजें बताई कि ऐसा ऐसा होता उसके बाद काश ऐसा होता कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हम वेट कर रहे हैं अभी तक कि कुछ तो हो बट वो कब होगा कुछ नहीं पता है बट हाँ टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में टाइम लो बट प्लीज़ इस बार कुछ ना कुछ करो होना चाहिए वरना अगला नंबर कब हमारा आ जाए कुछ नहीं पता भाई। डर के रहना यार ये ऐसे ऐसे रहना ना बहुत अजीब है भाई। वीडियो में भी अगर मैं बैठती हूँ ना तो मैं 100 बार अपने आप को चेकआउट करती हूँ कि मेरे कपड़े ठीक है क्लीवेज तो नहीं दिख रहा है कुछ यहाँ वहाँ तो नहीं हो रहा है घर से बाहर अगर जाऊँ तो मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती कोई ऐसे टॉप नहीं पहनती ऊपर से दुपट्टा लेती हूँ स्टॉल लेती हूँ ये सब चीज़ मैं करने के लिए रेडी हूँ भाई। अगर उसके बाद भी अगर ये सब मुझे झेलना पड़ रहा है ना नहीं हो पाएगा तो भाई नहीं हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ इस बार कुछ ना कुछ फैसला होगा और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।